हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बच्चों को बहुत पसंद आने वाली और साथ ही साथ बड़ों को भी पसंद आने वाली बहुत ही टेस्टी मुरमुरा के पकोड़े बनाएंगे। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे हमने सिर्फ 2 चम्मच बेसन से बनाया है, मीठा सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, साथ ही इसमें एक सीक्रेट मसाला डाला है। रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए मुरमुरा के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप मुरमुरा लेना है और इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल के मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद मुरमुरा को पानी में से निकाल लेना है और इसे ऐसे ही छोड़ दे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा। अब एक बर्तन में 2 छोटे उबले हुए आलू लेना है। इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक। तो ये है सीक्रेट मसाला, पकोड़ों को बहुत ही अच्छा स्वाद देगा मैगी मसाला, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल है। आप इसे जरूर डालें। ये पूरा पैकेट डाला है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, साथ ही इसमें 1 छोटा सा गाजर घिस के डाले, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च को छोटा छोटा कट करके डालना है, 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डालना है, ढेर सारा इसमें हरा धनिया डाले। अब ये भिगोया हुआ मुरमुरा इसमें डालना है, साथ ही इसमें 2 चम्मच बेसन डाले। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें सूखा मुरमुरा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों में तेल लगा के तुरंत ही इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। ध्यान रहे, छोटे बॉल्स बनाएं जिससे कि अंदर तक पके। मिश्रण को ज्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि इसमें प्याज डाला है, प्याज से पानी छूटने लगेगा। तो ये सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मीडियम गरम तेल में डालना है। इन्हें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। कम आंच पे करेंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और तेज आंच पे ये बाहर से डार्क और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करने से ये अंदर तक पक जाते हैं और बाहर से बहुत ही कुरकुरे होते हैं। आप देख सकते हैं मुरमुरा के पकौड़े सुनहरे हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेना है, टिश्यू पेपर पर रखना है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। ये देखिए, इसकी आवाज सुनिए, कितने कुरकुरे मुरमुरा के पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। इसे आप चाहे तो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हैं मुरमुरा के पकौड़े अंदर से भी कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।